नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रेगनेंसी की पहली न्यूज़ के साथ ही एक्सपेक्टिंग मदर को डूज एंड डोंट्स की बहुत सारी एडवाइजेस मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो कभी कभी थोड़ी सी ओवरवेलमिंग यहाँ पे हो सकती है। प्रेगनेंसी का समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बेली ग्रो करती है, तो एक एक्सपेक्टिंग मदर के कंसर्न की लिस्ट बदलती भी है और साथ में बढ़ती भी है। एग्जाम्पल के लिए 4 to 5 months के बाद जिन ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है, उन्हीं में से एक है स्लीपिंग पोजीशन। यानी एक एक्सपेक्टिंग मदर इस बढ़ती हुई बेली के साथ 4 to 5 months के बाद किस तरह सो रही है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्रोइंग फीटस का साइज अभी तक स्मॉल होता है। एक्सपेक्टिंग मदर की बेली में जो चेंजेस होते हैं वो उतने नोटिसेबल अभी तक नहीं होते हैं, तो किस तरह की पोजीशन में आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ये उतना मेजर कंसर्न नहीं है। लेकिन 4 to 5 months से यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से जहां बेली ग्रो करना शुरू हो जाती है, तो आपकी स्लीप पोजीशन, सोने का तरीका, रेस्ट करने का तरीका यहां पे पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह की स्लीप पोजीशन सेकेंड ट्राइमेस्टर से बेबी डिलीवरी तक आपके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट है, जो आपके और आपकी बेबी की हेल्थ को अच्छा रखने में मदद है। यहाँ पे वीडियो शुरू करने के पहले एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपका कोई मेडिकल कंसर्न है या फिर अगर आपके डॉक्टर ने कुछ पर्टिकुलर स्लीप पोजीशन आपको एडवाइस की है इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा ट्राइमेस्टर है, तो आप उसे ज़रूर से फॉलो कीजिए। एक बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के साथ डॉक्टर साधारण तौर पे साइड की करवट लेकर सोना यहाँ पे रेकमेंड करते हैं। क्यों ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि खून का बहाव जो है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है बढ़ते हुए गर्भाशय के साथ। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं खून के बहाव जो यूटरस तक पहुँच रहा है उसमें कंप्रेशन आ जाए, बहाव धीमा पड़ जाए, अगर आपकी स्लीप पोजिशन यहाँ पर सही नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो हमने जान लिया कि डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंडेड प्रेगनेंसी में ग्रोइंग बेली के साथ सेफ स्लीप पोजीशन क्या है, वो है साइड की करवट लेकर सोना। यानी लेफ्ट या राइट, दोनों ही साइड की करवट लेकर अगर आप सो रहे हैं तो वो आपके और बच्चे के लिए सेफ है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट स्लीप पोजीशन जो है वो है लेफ्ट साइड की करवट लेकर सोना, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर सो रहे हैं तो आपकी बॉडी अलाउ करती है इन्फीरियर वेना केवा, जो खून की नली है, उसमें बहुत ही अच्छे खून के बहाव को। अब ये इन्फीरियर वेना केवा क्या होती है, इसे हम जान लेते हैं। खून की ये एक नली होती है जो स्पाइन के पैरेलल राइट साइड में रन करती है और बॉडी के निचले हिस्से यानी आपके लेग्स और आपके फीट में से खून को ये दोबारा हार्ट की तरफ ले जाती है, और हार्ट से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन से भरपूर ये खून बच्चे तक पहुँचता है। बेस्ट स्लीप पोजीशन को यहाँ पे अडेप्ट करना यानी कि लेफ्ट साइड की करवट पे सोना ना सिर्फ अच्छे खून के बहाव के लिए, बच्चे तक अच्छे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुँचने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इस स्लीप पोजीशन में सोने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि किडनी और लिवर पे से प्रेशर जो है उसे कम करने में मदद करता है, स्पेशली बढ़ते हुए गर्भाशय के साथ। बहुत सारा रूम यहाँ पे इनकी फंक्शनिंग के लिए क्रिएट हो जाता है, और साथ ही हाथों की, पैरों की और एंकल की जो स्वेलिंग है उसे कम करने में ये मददगार है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई बेस्ट स्लीप पोजीशन यानी लेफ्ट साइड करवट लेकर सोने की। अब बात कर लेते हैं क्या राइट साइड की करवट लेकर सोना अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट साइड की करवट लेकर सोना भी आपके लिए सेफ है बढ़ती हुई प्रेगनेंसी के साथ। अगर आप लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आपको अगर राइट साइड की करवट लेकर सोना कंफर्टेबल है तो आप आराम से सोइए, क्योंकि इस समय आप जो नींद ले पा रहे हैं, जो एनर्जी कलेक्ट कर पा रहे हैं, वो बेबी डिलीवरी के बाद आने वाले समय के लिए ज़रूर से
काम आएगी। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न है कि इन्फीरियर वेना केवा जो है उसमें कंप्रेशन हो सकता है अगर आप राइट साइड सो रहे हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जाना प्रेगनेंसी के दौरान बेस्ट स्लीप पोजीशन के बारे में, यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको स्पेशली कौन सी स्लीप पोजीशन फॉलो करनी है। हालांकि अगर इसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ट्राई करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे इस स्लीप पोजीशन में ढलने के लिए तैयार हो जाएगी, आप कंफर्टेबली सो पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये यूजफुल रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को, और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी के लिए आगे आने वाली सही और अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।